हरियाणा में बीजेपी को 9 साल पूरे हो गए। 9 साल को यादगार बनाने के लिए बीजेपी हरियाणा के हर जिले में अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है ताकि लोगों तक सरकार की नीतियों और योजनाओं का पता चल सके। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने सरकार की 9 साल की नीति और योजनाओं का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने सड़कों से लेकर बुजुर्गों की पेंशन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार की लाभकारी योजनाओं का गुणगान किया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 9 साल भी हमारे चुनौतीपूर्ण रहे हैं और अगला 1 साल भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अच्छा काम कर रहे हैं और जनता उन्हें आगे भी आशीर्वाद देगी। साल में काम किए सर, ऐसे काम है जो अभी करने बाकी हैं? आपने 9 साल की उपलब्धियां तो गिनवाई हैं सर, लेकिन ऐसे कौन से काम है जो सरकार के रोड मैप में है और जो अभी करने बाकी हैं? देखिए, काम तो इतना बड़ा प्रदेश है तो काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे सड़कों के काम है, अभी हमने 25 करोड़ का पहले काम और 25 करोड़ का दूसरा काम अभी हमने सड़कों का दे दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी ये काम शुरू होने लग रहा और मुझे लगता है कि जो 25 का उद्योग हो लिया टेंडर सारा का सारा, जो 25 करोड़ का पहला, तो जो दूसरा 25 करोड़ का है वो भी हमारा जनवरी तक मुझे लगता है कि सारा का सारा हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी सारी सड़कें हमारी जो है, जहां थोड़ा सड़कों की स्थिति है तो वो है जी। मैं नहीं, हर विधानसभा की है। अभी पवार साहब ने पूछा था क्या हर विधानसभा के 25 करोड़ है, मतलब चाहे विपक्ष का विधायक है चाहे सत्ता पक्ष का, हर विधायक को 25-25 करोड़ की सड़कें पहले दी गई और 25-25 करोड़ की सड़कें अब दी गई। तो वो सड़कें उन्हें दे दी तो वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसे जैसे मेडिकल कॉलेज, आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमारा और भी टारगेट है, जैसे कैथल में भी हमने उद्घाटन कर दिया। तो ये सारे काम है, ये अब मतलब